खुल गया खुल गया खुल गया नेचर व्यू फैमिली रेस्टोरेंट, जहां सभी तरह की वेज एंड नॉन वेज की कई वैरायटी उपलब्ध है। सुंदर मनमोहक प्राकृतिक नजारों के बीच आनंद ले अपने फेवरेट खाने का। यहां डेस्टिनेट मैरिज पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट सेरेमनी आदि के लिए भी आ सकते हैं। तो पूरी हमारा पता है नियर खंडोली पार्क, गिरिडीह, झारखंड। हमें संपर्क करें अविनाश अंशु, मोबाइल नंबर 8789905694। झारखंड सरकार की गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना को लेकर जनप्रतिनिधि और प्रखंड कर्मी आमने सामने हो गए हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इन सब के बीच गरीब लाभुक योजना से वंचित रह जा रहे हैं। ग्रामीण प्रखंड कर्मी पर जियो टैगिंग के नाम पर पैसा मांगने का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वहीं प्रखंड कर्मी आरोप को गलत बताते हुए प्रमुख पर मारपीट, दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा थाने में लिखित शिकायत किए हैं। प्रखंड कर्मी प्रमुख पर जान से मरवा देने का भी आरोप लगाए हैं। वहीं प्रखंड के वीडियो मामले में जांच व सभी योग्य लाभुक को अबुआ आवास योजना का जल्द लाभ देने की बात कह रहे हैं। ग्यारकुंड प्रखंड कार्यालय अबुआ आवास को लेकर खूब किरकिरी हो रही है। बताया जा रहा है कि पंचायत में अबुआ आवास के लिए जरूरतमंदों को नजरअंदाज कर उन्हें प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। जिनका पहले से पक्का मकान और सुखी संपन्न परिवार है, वैसे लाभुकों को इस योजना का लाभ रिश्वत लेकर चयन किया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा प्रखंड के कर्मियों पर आरोप लगाया जा रहा है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत प्रखंड प्रमुख संगीता महतो से की है। वहीं ग्यारकुंड प्रखंड प्रमुख संगीता महतो ने कहा कि लगातार सभी पंचायतों से अबुआ आवास में गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है। प्रखंड के अधिकारी द्वारा गड़बड़ी की जा रही है, जिसका मूल कारण है पिछले 4-5 सालों से प्रखंड कर्मी एक ही स्थान पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं, जिनका आज तक स्थानांतरण नहीं किया गया है, जिसके कारण प्रखंड कर्मी मनमानी कर रहे हैं। प्रखंड में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आगामी शुक्रवार को प्रखंड के मुख्य द्वार पर धरना दूंगी। अगर उनसे भी बात नहीं बनती है तो माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ग्यारकुंड प्रखंड में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करूंगी। जब इस मामले में प्रखंड समन्वय अबुआ आवास के कर्मी मोहम्मद अख्तर जमाल कहा कि जनप्रतिनिधि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को असफल करने में लगे हुए हैं। नियम विरुद्ध जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने रिश्तेदारों को अबुआ आवास योजना के लिए लिस्टिंग किया था, जिसे लेकर वीडियो ने पंचायत सचिव जनप्रतिनिधियों को सोकेट जारी किया। किसी से कोई पैसा नहीं मांगा गया है, आरोप गलत है। प्रमुख द्वारा उनसे मारपीट, दुर्व्यवहार किया गया, जान मारने की धमकी दी गई, जिसकी शिकायत थाने में किए हैं। वह इस पूरे मामले में अंचल अधिकारी सप्रभार प्रखंड विकास पदाधिकारी कृष्णा कुमार मरांडी ने बताया कि अबुआ आवास का रजिस्ट्रेशन पिछले दिनों काफी धीमी गति से चल रही थी, जो अब तीव्रता में आई है। ग्यारकुंड प्रखंड के पंचायतों से यह भी समस्या आ रही है कि ज्यादातर लाभुकों का अपना जमीन नहीं है, भूमिहीन है। वैसे लाभुकों को चिन्हित कर सूची तैयार की जा रही है। वर्तमान में 45% सूची तैयार की जा चुकी है। पंचायत सचिव द्वारा लगातार जियो टैगिंग का कार्य किया जा रहा है और जरूरतमंद लाभों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को पहुंचाने ही हम सबों का लक्ष्य है। पैसा लाभुक से लेने की सत्यता की जांच की जा रही है। अगर सत्यता पाई गई तो वही चाहते हैं प्रखंड से कि जिसको जरूरत है उसी को दिया जाए। ऐसा थोड़ो है कि एक घर में सबको, आगे हमको एकदम कम्प्लीट करना है, उसका बाद सब गरीब को देना है, किस है ना। जब लिस्ट देखते हैं तो नाम तो कटा हुआ रहता है। आवाज बहुत बार उठाए, इससे पहले भी 2 बार नाम काट दिया गया है मेरा। उम्मीद यही है कि मेरा भी घर जाके सर्वे करने के लिए जो जाते हैं उनको दिखाते हैं, वो तो कोई एक्शन ही नहीं लेते हैं। तो उनको तो देखना चाहिए ना कि इसका घर कैसा है। वो लोग तो बराबर जाते हैं, जब नाम आता है ये योजना का तो वो लोग तो जाते ही रहते हैं ना, तो उनको तो वो तो देखे हैं, तो उनको तो हमेशा देखना ही चाहिए था। नाम क्यों काट दिया जाता है, हमसे कोई दुश्मनी है? इस बार तो शिकायत नहीं किया, लेकिन शिकायत करे क्यों? जब कोई वहां पे आवाज ही नहीं कोई सुना जाता है तो शिकायत क्या करेंगे, बोलिए। अबुआ आवास का लाभुक जो चयनित हो चुका था, फिर इन लोग को पता नहीं कहाँ से इन लोग को पता चला कि इन लोग का नाम कटा हुआ है। कि मैडम देखिए, हम लोग का जो घर नहीं है और हम लोग का नाम आकर भी जो काट दिया गया है, क्यों काटाया, आखिर हम लोग का क्या गलती है जो हम लोग को आवास नहीं मिल रहा है? और ये नहीं कि हम लोग आज पहली बार अबुआ आवास जो योजना चल रहा है उसी में हम लोग नाम चढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग प्रधानमंत्री आवास में भी नाम लिखवाए थे लेकिन नाम नहीं आया है, और इसमें भी हम लोग का नाम आकर भी हम लोग का नाम चुन चुन के नाम काटा गया है। चूक कहीं ना कहीं अधिकारी, जितने भी अधिकारी हैं,
वहाँ मतलब उन लोग से चूक हो रहा है। इन लोग का तो पता नहीं क्यों, जैसे कि इन लोग का तो हट जाना चाहिए था 3 साल कार्यकाल में, लेकिन इन लोग 5-5 साल से सभी अधिकारी कार्यकाल में है। पता नहीं प्रखंड यारकुन प्रखंड में ऐसा क्या है कि ये लोग यहाँ से जा ही नहीं रहे हैं, चूक यही चूक इधर से ही हुआ है। ये लोग मैनेज करके पता नहीं कौन कौन अधिकारी ये लोग जाते हैं पंचायत में जियोटेक करवाने के लिए, और मैनेज करके ये लोग आ जाते हैं, और जिनको लाभों को मिलना चाहिए उन लोग का नाम देख रहे हैं कि काटा हुआ है। जिन जिन लाभों पैसा देने में सक्षम है वही लोग का नाम लिस्ट में है, और जो जो सक्षम नहीं है उन लोग का नाम लिस्ट में नहीं है। तो सरकार तो ऐसा कुछ लागू नहीं किया है कि पैसा अगर आप जमा कीजिएगा तो ही आपको आवास मिलेगा, ऐसा तो सरकार ने ही कोई योजना स्वीकृत किए हैं। से रवैया चलता रहेगा तो हम लोग शुक्रवार को हम लोग धरना पे बैठ रहे हैं ब्लॉक में, ब्लॉक में हम लोग निष्कालीन में हम लोग धरना पे बैठेंगे। धरना के माध्यम से यही बताना है कि ग्यारकुन ब्लॉक में कितना हम लोग पीछे हैं, पूरे प्रखंड के जितने भी लाभ जनता है जितने भी पंचायत है वो कितना पीछे है, वही नहीं तो नहीं हो सकेगा। अगर इससे भी बात नहीं बनता है तो हम मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे। प्रमुख मैडम का कहना है कि आपने हमें स्पष्टीकरण क्यों निकाला। हमने कहा मैंने आपका स्पष्टीकरण नहीं निकाला, आप महोदय से बात कर सकते हैं। उनका कहना था कि आप ही निकाले हैं। हमने फिर उनसे विनती की कि मैडम मैंने नहीं निकाला है। फिर उन्होंने कहा कि अबुआ आवास के जो आप अभिलेख तैयार कर रहे हैं उसमें पंचायत मुखिया का हस्ताक्षर का स्थान आपने कैसे दिया। तो मैंने कहा कि हमने उनका स्थान नहीं दिया है। हमारे ग्यारकुन प्रखंड अंतर्गत जो फॉर्म है उस फॉर्म में किसी भी जनप्रतिनिधि का जो है हस्ताक्षर का स्थान हमने उपलब्ध नहीं कराया है। हो सकता है अगर किसी ने एडिट करा के अपना वो स्थान बनाया हो तो इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इतने में जो है वो गाली गलौज करने लगी, मुझे मेरे साथ हाथापाई की है। इसमें पंचायत समिति सदस्य लोग हैं, कुछ महिला भी पंचायत समिति सदस्य हैं। हमने मैडम को कहा मैडम ये आपके सामने मेरे साथ इस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है, ये अच्छा नहीं है। मैडम का साफ साफ कहना है ये सब मैं ही करा रही हूं और हम जैसा कहेंगे वैसा ही तुमको इस प्रखंड में काम करना पड़ेगा, नहीं तो तुमको यहां से हम लोग मरवा देंगे, जान से मार के फेंकवा देंगे। इतने में जो है फिर हल्ला गुल्ला लोग करने लगे कि इसको यहीं जला दो, इसको यहीं काट दो, इसको यहीं पे पकड़ो, इसी यहां बांधो, जिसकी एक छोटी सी वीडियो जो है क्लिप बनी हुई है। और हमारे कार्यालय में ये लोग दबंता पूर्वक धक्का मुक्की किए, हमारे कार्यालय को क्षति पहुंचाने का काम किए, अभिलेख को फाड़ दिए। अब कुछ अभिलेख को ये लोग उठाकर ले गए और गायब कर दिए, जिसके चलते हमारा अबो आवास योजना का जो है कार्य बाधित हो गया है। हमें आशंका इस बात का है कि कहीं ना कहीं ये लोग जो है राज्य सरकार के संपोषित योजना को विफल करने की योजना से ये लोग यहाँ आए हैं और राज्य सरकार को बदनाम करने का एक प्रयास किया जा रहा है। हाँ, मेरे द्वारा थाना में भी लिखित दी गई है। अबुआ आवास को लेकर देखिए सर्वे का काम चला था। मैं बता देना चाह रहा हूं कि अबुआ आवास का सर्वे का काम पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य और पंचायत सचिव के एक 3 सदस्यीय टीम के माध्यम से कराया गया था, जिसमें कहा गया था कि कोई भी जनप्रतिनिधि अपने परिवार के किसी भी सदस्य का नाम जो है योग सूची में किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए, ये राज्य सरकार का गाइडलाइन है। लेकिन बाद में ये प्रकाश में आया कि महोदय के द्वारा बताया गया कि इसमें जो है जनप्रतिनिधि लोग अपने अपने परिवार के नाम से योग सूची में नाम चढ़वा लिए हैं। तो उसी संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के द्वारा जो है दिनांक 10 तारीख को 10 फरवरी को सभी लोगों को पंचायत समिति, पंचायत सचिव और वार्ड सदस्य को स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसमें किसी का भी जवाब उपलब्ध नहीं हुआ। बिल्कुल ये आरोप निराधार है, सत्य नहीं है। मैं खुद कहता हूं कि कोई भी अगर पैसे की मांग करता है तो बिल्कुल भी किसी को पैसे ना दें। ये राज्य सरकार का जो है महत्वाकांक्षी योजना है, इस योजना को गरीबों को लाभ देने के लिए ये योजना लाया गया है। कोई भी आपसे अगर पैसे मांगते हैं, कोई भी किसी लाभुक से संपर्क इस तरह से करते हैं तो मेरा निवेदन है कि कोई भी किसी को पैसा ना दे। देखिए मैं एक सप्ताह पहले प्रभार लिया हूँ, है ना, उस समय यहाँ आवास का रजिस्ट्रेशन मात्र 3% हुआ था, 3 या 3.5% था। तो यहाँ जमीन का भी मामला है, लोगों ने आवेदन किया है आवास के लिए, लेकिन जो लाभुक है लाभुक के पास जमीन नहीं है। तो इस स्थिति में भी ऐसे लोग ऐसे
परेशान हो रहे हैं और उसके ये में हम ऐसे लिस्ट बना रहे हैं, अगर भूमिहीन लोग हैं तो हम उनका सूची बना के ऐसो विभाग को सौंप देंगे। और धीरे धीरे अभी ऐसो अब आवास का रजिस्ट्रेशन है सो बढ़ा है, अभी हमको 40-45% हुआ है। अब देख कोशिश करेंगे हम अधिक से अधिक लाभों को अब आवास का लाभ देने का कोशिश करेंगे। वो तो सत्यता की जांच होनी चाहिए पंचायत सचिव के द्वारा, सत्यापन किया जा रहा है, जियोटक किया जा रहा है और उसके तहत हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। अगर वैसी बात है तो हम इस सत्यता की जांच कराएंगे और सही पाए जाने पर हम विभाग को हम लिखेंगे।